बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, यूपी की बात कर लेते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर हैं। आज शाम पहुंचकर वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और कल रविवार को वो नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा की अगवानी करेंगे। पूरा दिन उन्हीं के साथ बिताएंगे। दोपहर में वे दोनों बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि नेपाल में गोरखनाथ पीठ की बहुत मान्यता है, जिसके योगी आदित्यनाथ महंत हैं। डिटेल्स के साथ में निमेश राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निमेश का रुख कर लेते हैं। निमेश, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत दौरे पर हैं और कल वाराणसी का उनका दौरा होने वाला है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और साथ ही साथ शेर बहादुर देउबा की अगवानी वहां पर करेंगे। उनके साथ एक मुलाकात भी होने वाली है और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और इस मुलाकात के मायने किस तरीके से लगाए जाएं? देखिए, अंतिम सवाल जो आपका इस मुलाकात के मायनों के दृष्टिकोण से था वो काफी अहम है और काफी पुराना सांस्कृतिक रिश्ता नेपाल से रहा है। उसकी एक बेहतर तस्वीर कल आपको देखने को मिलेगी वाराणसी में। और भारत के साथ संबंध तो रहे ही रहे हैं, काशी के साथ नेपाल का खास जुड़ाव रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है जहां पर नेपाली प्रधानमंत्री कल जाने वाले हैं, वहां पे परंपरा के मुताबिक हमेशा एक नेपाली पुजारी जरूर रहता है और कल टेक नारायण उपाध्याय जो यहां पे पुजारी हैं विश्वनाथ मंदिर में, वही पूजा अर्चन भी कराने वाले हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री आएंगे नेपाल के तो उनके रुद्राभिषेक का कार्यक्रम गर्भगृह में सपरिवार है, जो टेक नारायण उपाध्याय जो पुजारी है वही कराने वाले हैं। तो एक तो ये बात है कि काशी विश्वनाथ से जो नेपाल का रिश्ता है वो फिर कल देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि नेपाल के साथ जो रिश्ते इधर बीच काफी प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो रेल लाइन की शुरुआत हुई हो आज प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी बात करें, या फिर ये जो दौरा है इसमें तमाम व्यवसायिक और सांस्कृतिक संबंधों के आदान प्रदान की भी बात होगी। और ज्यादातर नेपाल के प्रधानमंत्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही पढ़े हुए हैं, इसलिए एक रिश्ता काशी से नेपाल का जो बनता रहा है पहले का, वो कल तस्वीर दिखाई देगी। मुख्यमंत्री खुद अगवानी के लिए आज यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रीति, यहाँ पर तैयारियों की अगर बात की जाए निमेश, तो तैयारियां किस तरह की देखने को मिल रही है वाराणसी में? देखिए, प्रधानमंत्री नेपाल का जो दौरा है उसके 2 महत्वपूर्ण वेन्यू हैं बनारस में। एक काशी विश्वनाथ मंदिर है और दूसरा है एक नेपाली मंदिर है, नेपाली खपड़ा इलाका है गंगा किनारे राजघाट इलाके में, जहाँ पे कास्ट कला का बेजोड़ नमूना आपको दिखेगा। एकदम नेपाल का जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसकी रिप्लिका वहां पे है, एक बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर है, वहां पे जाने वाले हैं नेपाली प्रधानमंत्री। तो दोनों जगहों की सुरक्षा व्यवस्था एक प्रोटोकॉल के तहत काफी चाक चौबंद है। तीसरा वेन्यू है रिफ्रेशमेंट के लिए ताज होटल, जहां पे प्रधानमंत्री कुछ देर रुकेंगे, फिर वो शाम को यहां से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इस बीच पूरे शहर में आवागमन डाइवर्ट रहेगा और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रीति, चलिए, तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निमेश। तो निमेश हमें बता रहे थे कि वाराणसी के दौरे पर रहेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी अगवानी के लिए आज ही खुद योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं, ताकि वहां पर न सिर्फ उनकी अगवानी हो सके, गोरखनाथ मंदिर के साथ भी खासा लगाव रहा है नेपाल का और खुद शेर बहादुर देउबा बहुत मान्यता रखते हैं गोरखनाथ मंदिर की। तो ऐसे में क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ मंदिर के महंत हैं तो ये मुलाकात बहुत अहम है और इसके लिए वाराणसी में जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं। इसके बारे में आपको आगे भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल बात